नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ आपकी अपनी चित्रा जौहरी। और आज मेरा टॉपिक है यूरोप यात्रा। और बचपन से मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, सपना था कि मैं पूरे जो वर्ल्ड की चीज़ें हैं, सपने हैं, जो बाहर के देश हैं उनको देखूं। और बहुत बार मुझे ऐसा मौका मिल गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो जॉब है, नौकरी है, वो आर्मी में थी। मैंने पूरा भारत घूम लिया और पूरा भारत घूमने के बाद मैंने जो है फॉरेन कंट्रीज़ की शुरुआत कर दी। और उसी के साथ मैं चल दी यूरोप यात्रा। और इसके बाद मैंने श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, मलेशिया, ऐसी बहुत सारी यात्राएं मैंने कर ली। और कुछ में मेरे इवेंट्स थे और कुछ में मेरे इवेंट्स नहीं थे, चाइना। और इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने पूरी कर ली। लेकिन दोस्तों मैं क्या बताऊँ कि यूरोप, आहा क्या बात है यूरोप का, क्या लुभावना सा सीन होता है। हर कुछ आप चीज़ कर सकते हैं जो आपने इंडिया में नहीं किया है। इंडिया में जो कपड़े नहीं पहने हैं वो ज़रूर रख लीजिएगा, वहाँ जाकर आप पहन सकते हैं और आप अपनी सब इच्छाएं पूरी कर सकते हैं ना। तो फॉरेन है यूरोप यात्रा। लेकिन हाँ, इससे जाने से पहले जो है बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं कि आप जो हैं जब जा रहे हैं, जैसे हम पुणे में रहते हैं तो आप हमेशा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आपको बॉम्बे से मिलेगी। तो बॉम्बे से आप जो हैं फ़्लाइट्स आप पकड़ते हैं, उसके बाद आप अपना जाने से पहले वीज़ा ज़रूर रखिए, पासपोर्ट ज़रूर रखिए। इसके लिए एक बैग आपके पास अलग होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट वीज़ा जो है बहुत जगह पे दिखाना पड़ता है। और इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है चेकिंग होती है, जब आप फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं तो इतनी चेकिंग होती है कि पासपोर्ट वीज़ा का बैग और जो डॉलर्स हैं, जो पैसे हैं, वो हमेशा एक जगह पे होने चाहिए और एक जगह पे अलग होने चाहिए, क्योंकि आपके पास दो जगह मनी होनी चाहिए। कई बार फॉरेन कंट्रीज़ में मनी वगैरह नहीं होती तो परेशानियां आ जाती हैं। इसी के साथ साथ आप जो हैं अपनी ड्रेसेस जो भी रख रहे हैं, आप अपना कंफर्टेबल चीज़ जो रख रहे हैं वो ज़रूर रखिए। और उसके साथ साथ अगर यूरोप यात्रा में आपकी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ ठंड बहुत होती है, तो उस ठंड से बचने के लिए आप अपने गर्म कपड़े भी रखिए। आपको फ़ोटोशूट करवाना है, कई बार होता है कि आप फॉरेन कंट्रीज़ यूरोप यात्रा, स्पेशली यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं, तो बहुत लोगों का मन होता है कि हम बहुत सारे फ़ोटो अच्छे अच्छे करवाएंगे। तो उसके लिए आप अच्छे अच्छे ब्लेज़र रख सकते हैं, कोट रख सकते हैं, आपके पास सुंदर सुंदर कैप्स होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप देखिए कि अभी आपके पास सामान जो है वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि यूरोप यात्रा में क्या होता है, जैसे मैं सिंगापुर गई, थाईलैंड गई, तो मैं एक जगह पे गई, मैं उसी होटल में रुक गई और 7 डेज़ के बाद मैंने होटल से जो है चेकआउट कर दिया। लेकिन अगर यूरोप यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत कम टाइम देता है केसरी, और केसरी या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से जाएंगे वो बहुत कम टाइम देता है और आपको बोलता है विद इन आप रात को सोए हैं, सुबह आपको मूव करना है, दूसरे कंट्रीज़ में जाना है, फिर आपको दूसरा बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे, फिर ऐसे कर वो आपको बहुत कम टाइम देते हैं तैयारी का। इसलिए आप कम से कम टाइम अपना सामान रखिए, ताकि आपको जैसे ही मैनेजर बोलता है कि भाई आपको मूव करना है, तो आप सामान अपना जल्दी से रखकर और आप जो हैं मूव कर सकते हैं। क्योंकि यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ कवर होती है, नीदरलैंड, आप ये डिपेंड करता कि आपने किस कंट्रीज़ को चुना है, उसके हिसाब से आपको पैकेज मिल जाता है। और मैं हमेशा केसरी में जाना पसंद करती हूँ। इसी के साथ साथ आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर रखिए। फॉरेन गए और स्विमिंग नहीं करी, आह क्या बात है, फॉरेन जाने के बाद स्विमिंग और रेत और समुंदर का किनारा, हर चीज़ की आपको छूट है, जो चाहिए वो करिए। तो इसी तरह से आप सामान को जो है वो रखिए। लेकिन वहाँ पर बहुत लोगों से बचना है, वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि लोग नहीं होते ख़राब, वहाँ पर भी ख़राब लोग होते हैं। कोशिश करिए आप रात को नहीं निकले, और कोशिश करिए आप जब भी जा रहे हैं टूर के साथ जाएं, शाम को अगर आपका फ्री है टाइम तो उसमें आप अकेले नहीं जाएं घूमने के लिए। अगर होटल के आसपास कोई मॉल है या होटल में कहीं आसपास घूमना है तो ठीक है, अदरवाइज आप फॉरेन में दूर नहीं जाएं। दूर जाने से बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आपको वापस आना मुश्किल होगा, हर टाइप के लोग वहाँ भी हैं, वहाँ भी सामान खोता है। कई बार होता है कि होटल में आप जो हैं नीचे मैनेजर ने बुलाया, आपने अपना सामान रखा, आप चेकआउट होटल कर रहे हैं, तो उस समय ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि आपके सबके बैग एक से होते हैं या कई बार बैग मिलते हैं आपस में। उस समय पर क्या होता है कि आपके बैग गायब हो सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉरेन कंट्री हो या इंडिया हो, हर जगह पे हर टाइप के लोग हैं। तो आप अपने बैगों के पास रखिए, अगर आप टॉयलेट जाना है या आपको पानी पीने जाना है या कुछ भी है, तो आप अपने साथ वाले को बता कर जाइए कि सामान को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ पर भी सामान की चोरी होती है, वहाँ पर भी छीना झपटी होती है, वहाँ पर भी आपकी सब चीज़ों को
छीन लेते हैं, डॉलर को छीन लेते हैं, सब कुछ वहाँ पर भी होता है। तो इसलिए निश्चिंत मत रहिए, और वहाँ के कानून बहुत सख्त है, उन कानूनों का जो है पालन जरूर करिए, जरूर पालन कानून का करना चाहिए। वहाँ पे जो है बहुत सड़क पार करने का बहुत सही तरीका, उस नियम को भी जो है आपको फॉलोअप करना है, क्योंकि वहाँ पे फाइन बहुत जल्दी होती है, और ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है आपको एक सिग्नल होगा जिससे आप सड़क पार करेंगे, और वहाँ पे गाड़ियाँ रुक जाती है। हमारी इंडिया की तरह नहीं होता है कि आप सड़क पार कर रहे हो और कारें आ रही हैं, ऐसा नहीं होता है। और वहाँ पे भी हर चीज़ मिलती है आपको, इंडियन होटल्स भी मिलेगा आपको जो है वहाँ पर, सब कुछ आपका मैनेजर आपको इंडियन होटल्स वेज खाना भी देगा। इसके साथ आप सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपनी पानी की बॉटल और बैग ये सब संभाल कर रखिए, अपना वीज़ा और पासपोर्ट, ये दो चीज़ें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं खोनी चाहिए। अगर खो गई तो आप जो है बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे, आप एम्बेसी के चक्कर लगाते रहेंगे, बहुत परेशानी होगी, हो सकता है आपको वहाँ अकेले रुकना पड़े और आपका जो टूर है वो इंडिया आ जाए। इसलिए आप वीज़ा और पासपोर्ट इसको कभी भी कमरे में मत छोड़िए, इसको अपने साथ रखिए। और जो पैसे हैं जो डॉलर में चेंज हो जाते हैं, उन पैसों को जो है आप आधा पैसा आप अपने कहीं ऐसी जगह पर रखिए अलग, या अगर दो लोग हैं तो आधा आधा पैसा रखिए, और पैसे को हमेशा आधा करिए। और जब भी आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको शॉपिंग करनी, जब आपका टूर ख़त्म हो रहा है 10 डेज़ का या 7 डेज़ का या 15 दिन का आपका टूर है, तो आप शॉपिंग ऐसी मत करिए कि आप पूरे पैसे खर्च कर दें और खाली हाथ हो जाए, ऐसा भी मत करिए। आप थोड़ी शॉपिंग करिए, क्योंकि जब अगर आपने ज़्यादा शॉपिंग कर ली तो हो सकता है कि आपकी चेकिंग हो कस्टम विभाग में और उसमें आपको फ़ाइन डबल देना पड़ जाए। कुछ जगह पे लीकर्स जो है वो फ्री होती है और कुछ जगह पे लीकर्स फ्री नहीं होती, तो इसका भी ध्यान पहले से कर लीजिए। अगर आप वहाँ से ज्वेलरी ला रहे हैं, जेवर ला रहे हैं, या कोई शो पीस ला रहे हैं या खिलौने ला रहे हैं, तो इसका भी पूछ लीजिए, पहले से पता कर लीजिए कि कितना कस्टम लेगी या कस्टम कितने परसेंट पे नहीं लेगी, उतना ही शॉपिंग करिए ताकि कस्टम को भी नहीं देना पड़े। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। और हाँ, वहाँ पर फॉरेन में ऐसा नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हुई, आप फॉरेन जल्दी से आप गए और आपको दवा मिल गई, वहाँ पर डिस्प्रिन पैरासीटामोल भी मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आपको जो बीमारी है, जो चीज़ है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई आपको चक्कर आता है या कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ़ है, उसकी सारी दवाएं होनी चाहिए। अगर आपको कोई सांस की प्रॉब्लम है तो इनहेलर होना चाहिए, आपको हर चीज़ की दवा आपके पास होना चाहिए, आपकी फ़ाइल होना चाहिए, जो दवा की फ़ाइल है वो भी होना चाहिए, ताकि आपको वो फ़ाइल डॉक्टर देखकर वहाँ फॉरेन में भी आपकी हेल्प कर सके। तो इस तरह से अगर आप जर्नी को सही करेंगे, और कोशिश करिए कि आप ग्रुप के साथ रहें, अकेले मत रहें। अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो आप अपनी यूरोप यात्रा को बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे। और आप अगर यूरोप यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, कोरोना ख़त्म होने के बाद आप अगर ये जा रहे हैं फॉरेन कंट्री, तो स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाइएगा, पेरिस ज़रूर जाइएगा, और इन सब जगहों पर ज़रूर घूमिएगा। और मेरा एक ड्रीम है लंदन का, पता नहीं मैं जा पाऊँगी लंदन या नहीं, मुझे अभी नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा सोचा है कि मैं लंदन एक बार जाऊँ, देखूँ लंदन कैसा है। तो ये मैं भगवान से बोलूँगी कि मुझे फॉरेन कंट्रीज़ 2-3 शहर 2-3 सिटीज़ और घुमा दे। और इसी के साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए, आजकल फॉरेन जाना कोई कठिन नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आजकल हर तीसरा आदमी फॉरेन जा रहा है। पैसे होने चाहिए, पैसे जोड़िए, बचाइए, पैसे को रखिए और फॉरेन की यात्रा करिए, और पेरिस देखिए, स्विट्ज़रलैंड लीजिए और फॉरेन का मजा लीजिए। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।